तो पार्टी ने तय किया कि एक एक मंत्री का मंत्रिपरिषद में एक एक हर दल को एक एक जगह दी जाएगी। क्योंकि जब हम शिवसेना को एक दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब जनता दलियों के नेता नीतीश जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दल में लोग किसी नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफ़ेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर डेढ़ साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे, तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दलियों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का, अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहाँ का सत्ताधारी दल था, आप तो हमारे सहयोगी दल थे, हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहाँ टूटी सरकार तो शिवसेना जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसको वो पार्टी टूटी जो है, आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था, तो पूरी जनता दलियों आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी कभी, अब बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं, 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150-250 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है, तब तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है, 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है,
क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते, अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, यह केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो सुशील मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे जो एक एक करके सवाल उठा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि अब जब विपक्षी पार्टी के तौर पे बिहार में बीजेपी है, तो ये तस्वीरें आपको रोज रोज देखने को मिलेगी, जहां मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर होंगे। और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी एक तरफ आज राजभवन में शपथ होना है, और इस वक्त जो प्रशांत किशोर है बिहार की राजनीति में, हालांकि उन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए, फिर वो बिजनेस के लिए जाते हैं, फिर वो आते हैं, तो एक बार फिर से इस बदले माहौल में वो एक बार फिर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर इस पूरी स्थिति को लेकर क्या कहते हैं, एक समय में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश, लेकिन आज वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, नया गठबंधन, फिर से नई सरकार, कहाँ भविष्य देखते हैं? शुभकामना दे रहे हैं उनको। किस चीज़ का भविष्य की बात, किसकी भविष्य की बात कर रहे हैं? ये नए गठबंधन की नहीं, ये बिहार में पिछले 10 साल से जो राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है, ये उसी की दिशा में, उसी कड़ी में एक और अध्याय है। पिछले 10 साल में ये छठवीं सरकार का छठवां फॉर्मेशन है। एक को अगर आप छोड़ दें, जिसमें जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उसको छोड़ दें, तो बाकी सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहे हैं। नीतीश कुमार इससे पहले जब इस आरजेडी के साथ से हटे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, उसी के आरोप को लेकर वो हटे थे, और फिर से एक बार उन्हीं के साथ जाना, क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के साख पर सवाल उठेगा? देखिए, जब भी आप इस तरह के यू टर्न करेंगे तो साख पर टेम्पररी बातें तो उठती ही हैं, कुछ लोगों को ये राजनीतिक इमोरालिटी भी इसमें लगती है, लेकिन जनता के हिसाब से ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सो लॉन्ग यू डिलीवर ऑन व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग।